फ्रेंड्स आ चुके हैं हमारे टेरेस गार्डन में और क्या क्या काम करेंगे आपके साथ में करेंगे शेयर। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो आपको पता है कि क्या करना है। शुरू करते हैं और बहुत सारे फूल खिले हैं। किचन विस लिक्विड फर्टिलाइज़र दिए देने चाहिए, बहुत अच्छे अच्छे फूल खिलते हैं कि उसमें। तो वाह, तो मैं आपको इसके ये वाले फूल दिखा रही हूँ कितने अच्छे खिलते हैं। देखा तो ये देखो इसके फूल देखो अभी कितने अच्छे, ये पूरा सीजन ही खिलता है। जरबेरा है और ये देखो इसमें कितने सारे बर्ड्स आ रही है। एक ये, एक ये, एक ये, और ये वाला फूल क्या सूख गया है तो इसको इस तरीके से निकाल देना चाहिए। इसके सीड पॉट मैं नहीं लूँगी बिकॉज इसके सीड पॉट लूँगी ना क्योंकि ये पौधा सर्वाइव कर जाता है, इसलिए इसके सीड पॉट्स मैं नहीं लेती। जैसे ये हुआ ये, अब इसे इन्हें ना धूप में भी रखेंगे बिकॉज ऊपर के ग्रीन शेड है और ये आराम से धूप में भी चलते रहेंगे तो इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। और नेक्स्ट सीज़न जैसे 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 जून आने लगेगा ये अपनी ग्रोथ पर आ जाएंगे। बस इसमें से कुछ कुछ ये पत्ते वत्ते ख़राब हो जाते हैं, वो आपको हटा देने चाहिए इस तरीके से। जैसे मैं पत्ते हटा रही हूँ, ये देखिए इस तरीके से ऐसे बस, और इसे ऐसे रखिए, इसका कुछ नहीं बिगड़ता है, पानी देते रहे। तो ये देखो हमारे किचन वेस्ट का लिक्विड फर्टिलाइज़र हो चुका है तैयार। ये कौन सा है मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि आपको उसका रंग देखने से पता चल रहा है। इसमें है सबसे मेन तो प्याज के छिलके, ऑनियन जो पील होते हैं उनके, ऑनियन के जो छिलके होते हैं उसके पील छिलकों को कहते हैं कि आई डोंट नो पता नहीं, मगर ये उनके सिर्फ छिलके हैं और कुछ नहीं है। और बहुत सारे होते हैं और इतने सारे कैसे इकट्ठे हुए ये भी मैं आपको बता देती हूँ। मैं क्या करती हूँ, जैसे सब्जी लेने जाती हूँ तो सब्जी वाले के पास ये छिलके पड़े रहते हैं, ऐसे ही वेस्ट होते हैं और वो फेंक के ही जाते हैं, तो मैं उनसे ले आती हूँ काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में और ला के रख लेती हूँ। और थोड़ा थोड़ा मेरा लिक्विड फर्टिलाइज़र उससे मैं बनाती रहती हूँ। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है इसका रंग कितना प्यारा है, ये देखो इस तरीके से, और ये आपके पौधों को बहुत ही फ़ायदा करते हैं। इसके अलावा इसमें है मेरे बनाना पील और क्या है इसमें, हाँ नींबू के छिलके और क्या था इसमें, बस ये दो ही हैं अभी। तो इससे पहले वाला मैंने सारा डाल दिया, तो हफ्ते में एक बार ये मेरा लिक्विड फर्टिलाइज़र ऐसे बन के तैयार हो जाता है। और ये बहुत ही पौधों को गर्मी में ठंडा रहता है, मतलब ये फर्टिलाइज़र ऐसा है कि अब समर में अगर आप अपने पौधों को केमिकल फर्टिलाइज़र देते हैं तो बहुत ही गर्म होते हैं और वो जिससे कि आपके पौधे ज़्यादा कम ज़्यादा क्वांटिटी में जल जाते हैं, मगर ये आपके पौधों को एकदम ठंडक देते हैं। जैसे कि आप ये मान लो कि जैसे आप गर्मी में जूस वगैरह पीते हैं और ये जूस पीना चाहिए या नींबू का पानी पीना चाहिए या ऐसा कुछ जो भी आप मान लो कि आपके बॉडी को वो ठंडक देते हैं, उस अकॉर्डिंग ही ये पौधों में काम करते हैं। और इससे फ्लावरिंग बहुत अच्छे से होती है। मेरे पौधों का जो आप रंग देख रहे हैं, जो आप लीव्स वगैरह देख रहे हैं, इतने अच्छे से ग्रो होती है, वो इसी के कारण होती है। क्योंकि जैसा कि आपको पता है मैं कभी भी केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं डालती हूँ पौधों में। पॉटिंग मिक्स में भी किचन वेस्ट का ड्राई फर्टिलाइज़र प्लस लिक्विड किचन वेस्ट का ये वाला फर्टिलाइज़र इस तरीके से जो बन के तैयार होता है बहुत ही अच्छा होता है। अब इसका क्या मतलब साइंटिफिक रीज़न है कि इसमें कितना परसेंट ये होता है कितना परसेंट वो होता है वो मुझे नहीं पता, मगर ये मेरे पौधों को बहुत फ़ायदा करता है। कितना मतलब दूसरे यूट्यूबर्स जो बताते हैं ना कि इसमें इतना परसेंट ये होता है इतना परसेंट वो ये वो, बहुत सारा होता है इसमें, मतलब आपके ऑल ओवर आपके पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत ही बेस्ट है। समर में आपके पौधों को कूल रखता है, पौधों में मतलब लीव्स में शाइन वाइन क्या होती है, शाइन बना के रखता है और अच्छे से ग्रो करते हैं पौधे, बर्न नहीं होते हैं और ऑल ओवर अच्छा होता है। तो इसीलिए मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र जैसे ही मेरा बन के तैयार हो जाता है पौधों में, वीक में एक बार तो ऑलमोस्ट ये बन के तैयार हो जाता है, मैं छत पे ले आती हूँ और अपने सारे ही पौधों में डालती हूँ। और हाँ एक बात और आपके साथ में मैं शेयर कर रही हूँ, ये जो आप अपने हैंगिंग जो प्लांटर्स है, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, इन हैंगिंग प्लांटर्स में आप फर्टिलाइज़र कैसे दें, सबसे मेन थिंग ये आप हाइट पे टाँगते हैं, सेकंड थिंग ये मतलब इतने ऐसे होते हैं मतलब हैंगिंग बास्केट मेनली वो होते हैं जो पूरे भर जाते हैं और नीचे क्लाइम करते हैं, तो उसमें आप लिक्विड ड्राई फर्टिलाइज़र नहीं डाल सकते। आप इस तरीके से लिक्विड फर्टिलाइज़र देंगे तो आपके पौधे बहुत ही अच्छे से ग्रो करेंगे, जैसे कि मैं डाल रही हूँ। तो आप भी अपने हैंगिंग बास्केट्स में ऐसे डालिए, छोटे छोटे जो DIY होते हैं उसमें इस तरीके से डालेंगे तो जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहे हैं कि मेरे पौधे कितने अच्छे से क्लाइम कर रहे हैं, कितने अच्छे से दिख रहे हैं, ये सब इसी के साथ होता है। मतलब ऐसे ही लिक्विड किचन का वेस्ट जो लिक्विड फर्टिलाइज़र होता है ये इसी से होते हैं। तो मुझे तो ये किचन का वेस्ट बहुत अच्छा लगता है। जैसे ये देखो मधुमालती नहीं अपराजिता, मैं कितने अच्छे से मतलब ये मैंने लगाई थी और आपके साथ में शेयर की थी। और इसका ये क्वांटिटी कितनी रखनी है, अरे मैं वो तो भूल ही गई क्वांटिटी बताना। तो ये देखो एक डिब्बा मैंने ये भर के लिया है और इसमें बाकी अब सारा मैं भर दूँगी पानी। तो इस तरीके से इसका मैं रेशियो रखती हूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं वीडियो में। अब मैंने
अब इसे मैं पूरा ही पानी से भर दूंगी, जैसे मैंने एक डिब्बा वो डाला था और बाकी इसे पूरा 5 लीटर है, तो पूरा का पूरा इसे पानी से भरने के बाद इसे और पूरे मेरे पौधों में ये सफिशियंट होगा इतना। और इसके बाद मैं क्या करूँगी, जब पूरा ख़त्म हो जाएगा उसके बाद में जो हमारा ये जो वेस्ट बचा है इसको अगेन इसको वापस डिब्बे में भर दूँगी और एक बार उसको रीयूज़ करेंगे, और यूज़ करने के बाद में नेक्स्ट टाइम फिर इसका क्या करेंगे वो आपके साथ में करेंगे शेयर। तो ये देखो इस तरीके से ये जो अभी मोगरा हुए समर के पौधे हुए, मोगरा हुए, 9 o'clock हुए, मॉसरोज हुए, रजनीगंधा हुए, आलमंडा हुआ, ये जितने भी होते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स इन सबको दे बहुत अच्छे से ग्रोथ करते हैं सारे के सारे इससे। ये देखो छोटे छोटे से जो मेरे ये है ना हैंगिंग बास्केट्स, इसमें भी दे रही हूँ बिल्कुल छोटे छोटे से, उसमें भी इजीली डल जाता है। तो इस तरीके से आपके पौधों को केमिकल फर्टिलाइज़र ना देके अगर आप किचन का वेस्ट फर्टिलाइज़र देंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो ये देखो अब मेरा ख़त्म हो जाएगा सारा का सारा, अब मैं इसमें भर देती हूँ पूरा पानी से। और ध्यान रखिए कि जो आप किचन वेस्ट का फर्टिलाइज़र बनाते हैं उसे आप शेडी एरिया में रखें, मतलब धूप में नहीं रखना चाहिए, शेडी एरिया में और किसी ट्रांसपेरेंट डिब्बे में रखें जैसे कि मैंने रखा है। अब आगे चलते हैं तो मैंने क्या किया इस वीडियो में आप देखो, जैसे कि मेरे पास 2 बल्ब रखे हुए थे, एक तो ये कैलिडियम का बल्ब है, कैलिडियम के बल्ब मैंने बाकी पहले सारे लगा दिए थे मगर ये बल्ब ज़्यादा पानी होने के थोड़े से ख़राब हो गए थे। और ये बल्ब मुझे नहीं पता, ये पॉटिंग मिक्स में निकला था तो ये मे भी रिंग लिली का बल्ब होगा, तो इसे भी मैं आज मैं लगा दूंगी, वेस्ट नहीं करेंगे। छोटा सा मेरे पास प्लांटर वेस्ट पड़ा था तो इसमें लगा देती हूँ, और एक ये मेरा DIY प्लांटर है इसमें मैं कैलिडियम का लगा देती हूँ। कैलिडियम आपके समर में बहुत ही अच्छा, मतलब एकदम कलरफुल पत्तियाँ और डॉट डॉट वाली पत्तियाँ और इतने सुंदर से लुक क्रिएट करता है आपके गार्डन में। और तो कैलिडियम का बल्ब अब काफ़ी दिनों से बाहर रखा था, धूप में सूख गया है, अब वापस सही हो गया है। पिछली बार इसमें बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ था इसलिए मैंने इसे नहीं लगाया। अब मैं इसको धूप में रखने के बाद में ये अच्छे से सूख गया है, अब मैं इसे वापस रिपोर्ट कर रही हूँ। पॉटिंग मिक्स मैंने डाल दिया है और उसके ऊपर मैंने डाल दिया है अपना अगेन पॉटिंग मिक्स। बल्ब को लगाते समय, कोई भी बल्ब को लगाते समय एक बात आपको ध्यान में रखनी होती है कि उसे मिट्टी में ज़्यादा अंतर नहीं गाड़ा जाता। जैसे 3/4 पार्ट आपने मिट्टी का डाल दिया, उसके पास 1/4 पार्ट जो बचता है उसके अंदर आप बल्ब को लगा के उसके ऊपर आप मिट्टी डालिए तो वो अच्छे से ग्रो करते हैं। और इसे रख दिया है मैंने यहाँ शेडी एरिया में, यहाँ जैसे कि अभी मॉर्निंग की धूप आ रही है इसके बाद बिल्कुल धूप नहीं आएगी। तो ये मेरा आई थिंक सो कि ये रेन लिली है, तो रेन लिली का बल्ब मैंने यहाँ लगा दिया है। अब ये कैसा क्या ग्रो करेगा मैं आपको अपनी वीडियोस में आगे बताती रहूँगी। और ये सारे मेरे कैलिडियम के बल्ब हैं जो अभी धीरे धीरे ग्रो करना स्टार्ट करेंगे और उन सबका भी रिव्यू मैं आपको देती रहूँगी। तो इस तरीके से कैलिडियम आप सर्च करके देख लेना कि मतलब उसकी पत्तियाँ कैसी क्या होती है, जिसको नॉलेज है उनको तो पता है, बाकी जिसको नहीं पता वो देख लेना, क्योंकि मुझे अलग से क्लिप लगानी या नहीं आती कि मैं कैसे आपको बताऊँ। तो चलो ठीक है, अब यहाँ से मैंने एक पौधा ले लिया था है जिसका नाम है रिबन ग्रास। ये काफ़ी टाइम से क्या बोलूँ मैं आपको, सालों से, ये लॉकडाउन से भी पहले मैंने गमले में लगाया था लाके, और ये अब इतना बड़ा हो चुका है और हमेशा चाहती हूँ कि इसको निकालूँ। तो आज टाइम मिला, मैंने सोचा चलो निकालते हैं, और क्योंकि मुझे वो वाला प्लांटर चाहिए था बड़ा वाला, और ये जब मैंने इसे निकाल के देखा तो इसीलिए निकल गया। और रूट बॉन्ड कितना हुआ मैं आपको बता देती हूँ, ये प्लांटर हम किसी बड़े पौधे के लिए रखेंगे और क्या इसमें शिफ्ट करेंगे वो भी आपके साथ में करेंगे शेयर। तो ये देखो इसका रूट बॉन्ड कैसा हुआ है, ये इतना तरीके से, ये रिबन ग्रास है और ये मतलब आप हैंगिंग प्लांटर में या हाइट वाले प्लांटर में लगाएं तो बहुत अच्छा, क्योंकि ये नीचे की तरफ फॉल करती हैं तो बहुत प्यारा लगता है। तो ये दो प्लांटर्स में आप लगा सकते हैं, या तो जिसकी डेप्थ तो बहुत ज़्यादा हो, सेकंड थिंग वो हैंगिंग हो, हैंगिंग में भी फॉल करते बहुत प्यारा लगता है। और ये जब आप इसको हाथ लगाएंगे तो ये प्लास्टिक की तरह होती है ये वाली ग्रासेस। और एक ये है ग्रीन ग्रास, ये देखो जो मैंने लगाई थी, एक ग्रीन ग्रास ये है और वो रिबन ग्रास है जो मैंने अभी रिपोर्ट करूँगी। तो बस अब कुछ नहीं, उसको मैं थोड़ा सा ऊपर से नीचे ऐसे पटकूँगी जिससे कि वो खुल जाए, मतलब सारी की सारी ये जो बंधी हुई है ना 2-3 बार ऊपर से नीचे ऐसे पटकूँगी ना तो ये थोड़ा सा फ्री हो जाएगी मिट्टी। मिट्टी होने के बाद मैं इनकी जड़ों को खींच खींच के मैं सेपरेट कर दूँगी। ये मेरी पुरानी वीडियोज़ में आप देख सकते हैं कि मैं इन्हें कैसे अलग अलग ऐसे हाथों से खींच खींच के सेपरेट करती हूँ, और जितनी भी निकलती है फिर उसकी मैं बाद में कर दूँगी अच्छे से कटिंग। नीचे से जितनी भी रूट्स हैं ना ये सारी मैं अच्छे से प्रून कर दूँगी, बिकॉज कि ये ही बाद में जाके रूट बॉन्ड करती है बहुत जल्दी, और इनके रूट्स को आप प्रून कर दोगे तो बाद में कोई दिक्कत नहीं होती, ये अच्छे से सर्वाइव करते हैं। तो इस तरीके से जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है इतनी सारी रूट्स मैंने काट दी है, और आगे देखिए ऐसा कर दिया है, इससे क्या होता है ये अच्छे से आगे ग्रोथ करते हैं। तो ऐसे इस तरीके से अब मैं इसे इन दो प्लांटर में शिफ्ट करूँगी, इसमें मैंने अभी जस्ट होल करूँगी। देखो इस तरीके से ये जो सीमेंट के प्लांटर होते हैं ना इसको इस तरीके से होल किया जाता है, अगर आप ऐसे करके पत्थर से ऊपर मारेंगे तो ये टूट जाएंगे, इसलिए वो कभी ना करें। बस इसे ऐसे थोड़ा सा घुमाना पड़ता है, थोड़ा सा टाइम लगता है मगर इजीली इसमें होल हो जाते हैं और इससे आपका प्लांटर डैमेज भी नहीं होता। तो चलो ठीक है, अब लगाते हैं हमारे ये वाले रिबन ग्रास।
रिबन ग्लास की लीफ को आप ऐसे टच करेंगे तो एकदम प्लास्टिक प्लास्टिक आर्टिफिशियल लगती है बिल्कुल, जैसे कोई आर्टिफिशियल लगा रखा हो, पौधा लगा रखा हो। तो इस तरीके से मैंने मेरा पॉटिंग मिक्स बना लिया है। जैसे कि आपको पता है कि इसका रेशियो कैसे क्या रहता है, तो पहले पॉटिंग मिक्स भर दिया है, इसके ऊपर मैं इसको ऐसे जस्ट सेट करूँगी और अगेन इसके ऊपर वापस से पॉटिंग मिक्स भर दूंगी, जिससे ये अच्छे से, मैं इसको ज़्यादा अंदर तक गड़ा के नहीं रखूंगी क्योंकि इसका फॉल ऊपर से होता हुआ अच्छा लगेगा, जितना अंदर रखूंगी तो वो फॉल होते हुए नहीं दिखेगा। तो इस तरीके से इसे जैसे मैं लगा रही हूँ और अभी से ये देखो इतना यहाँ कितना कचरा हो गया, इन सब का भी मुझे अभी अवेरा करना होगा सारा का सारा। अब आपको दिखाती हूँ कि मैंने पौधे लगा के कहाँ रखे हैं दोनों के दोनों। तो दिखाते हैं आपको, यहाँ ये शेडी एरिया में रख दिया और ये दो मेरे प्लांटर बन चुके हैं, बन के हो चुके हैं रेडी, और इसे मैं यहीं शेडी एरिया में रखूँगी क्योंकि ये एक तरह से आप कह लो कि इनडोर है, नहीं तो इसकी लीफ है ना बर्न होना शुरू हो जाती है। तो बस इस तरीके